किया कर भी अंदर गया। वेलकम एवरी वन, दिस इज सॉफी विद किड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज सॉफी शाह और रीश भी है इधर। उम्मीद है कि आप लोग सीधे ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आज सुबह सुबह 9:30 बजे बिल्कुल रेडी हूँ। और क्यों रेडी हूँ उसकी वजह यह है कि आलियान के स्कूल में है, आलियान का मिलाद, मतलब मिलाद है इनके स्कूल में, ईद मिलादुलनबी है और आलियान ने पार्टिसिपेट किया उसमें और आलियान भी जा रहे हैं और मदर्स को भी बुलाया गया तो मैं भी जा रही हूँ। अरीजी मेरे साथ चल रही है तो मैं आप लोगों को भी लेके चलूंगी वहाँ पे। आलियान की परफॉर्मेंस देखेंगे कि आलियान किस तरह से नात पढ़ते हैं, जो भी जिसने ही पार्टिसिपेट आलियान ने किया है दुआ में या नात में, जो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग साथ साथ रहिएगा और जो लोग नए हैं वो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो फिर चलते हैं। सो हमारे साथ यहाँ पे जो है वो आलियान मौजूद है, मैं आलियान से मिलवाती हूँ। तो ये रहे आलियान आलियान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आपके स्कूल में मिलाद है आज? हाँ। आलियान पार्टिसिपेट किया है? हाँ। ओ और आप खड़े होकर भी दिखाइए कि आपने किस तरह से पहना हुआ है कपड़ा। वाओ ये देखिए। वाओ तो आलियान ने पहना है फुल वाइट, वाइट सलवार कुर्ता। ये तो बताओ ये इसमें क्या है, ये क्या लेके जा रहे हो? ठीक है लॉलीपॉप लेके जा रहे हैं भाई आलियान साहब। और ये रही अरीश, अरीश सामने आइए ऐसे। तो अरीश भी जा रही है भैया के स्कूल में, भैया के मिलाद में देखने के लिए भैया किस तरह पढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं फिर। मैंने ये पूरा व्हाइट ही पहना है, व्हाइट फ्रॉक पहनी है विद पिंक दुपट्टा, क्योंकि यार मिलाद का था तो मैंने सोचा क्यों ना व्हाइट ही पहना जाए। व्हाइट फ्रॉक के साथ पूरी फ्रॉक है मेरी, लखनऊ फ्रॉक है और उसका मैंने पिंक दुपट्टा पहना हुआ है। तो मैं आप लोग साथ लेके चलती हूँ और मेरे साथ साथ रहिएगा, देखिएगा किस तरह से होता है। अभी चल के बच्चों को जल्दी जल्दी नाश्ता कराना है, नाश्ता करा के फिर हम निकलते हैं। भाई आलियान ने पार्टिसिपेट किया है तो आलियान की टोपी भी है जो मैं आलियान ने उठा के मेरे बैग में डाल दिए। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोपी पहनेंगे। मेरे पास व्हाइट तो नहीं थी तो मैंने ये सिंधी टोपी आलियान को बना दिया। आलियान कैसे लग रहे हो? गुड, अच्छी लग रही है। आलियान सूट कर रहा है। चलो चलो नीचे उतर आ जाओ, लेट्स गो। तो आलियान जो है वो अरीश का हाथ पकड़ के नीचे उतर रहा है। आराम से आराम से उठिए, आराम से। शाबाश। हम लोग अब निकल रहे हैं, देर हो गई है, आलियान को लेके निकल गई हूँ। बच्चे एक बेबी क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो चलो अंकल, बोलो आ जाओ अंकल। हाय अंकल, अब गाड़ी निकाल लीजिएगा, स्कूल जाना है आलियान के। चलो सही सही हम लोग आ गए आने के स्कूल और मैं और अरीश बाहर वेट कर रहे हैं। तो मिलाद का जो फंक्शन था वो ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ था, इसलिए मैं और अरीश ऊपर जा रहे हैं, पर जाके देखते हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ बैठना है। तो बस हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं ऊपर और ये इस तरह से सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। मिलाद बस स्टार्ट होने वाला है, मुझे और अरीश होते यहाँ पीछे जगह मिल गई है तो हम लोग बस यहीं बैठ रहे हैं, ताकि यहाँ पे हवा भी आ रही थी, फ़ैन भी लगा था, तो मैं और अरीश यहीं बैठ गए हैं। शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आएंगे, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ रहा। बस स्टार्ट होने वाला है, लोग भी आ गए हैं तो बस अभी शुरू होगा मिलाद, देखते हैं।
अरे यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं पड़ा, अच्छा किया हुआ था ये, तो ये गर्मी लग रही थी जबकि बिल्कुल रूफ टॉप पे किया हुआ था अरेंजमेंट, पर ये क्या हवा भी बहुत आ रही थी, बट इसमें फैन लगे हुए थे। बस अब नर्सरी क्लास के बच्चों की लाइन लग रही है, मतलब बच्चे आएंगे नर्सरी क्लास के। आलियान ये दिख गया, ये रहा आलियान, इसकी टोपी क्यों पीछे आ गई, ये टोपी आगे करो आलियान। एक तो मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो दूर खड़ा हुआ है आलियान और देख भी नहीं रहा है इधर। तो आलियान जो है गर्मी बहुत लग रही है आलियान को, समझ में नहीं आ रहा है। जो रहीम व करीम है, जो रब्बे सिराज मुनीर है। और यही रहे मैं और अरीश। अरीश बहुत ही तवज्जो से सुन रही है क्या कह जा रहा है। और आलियान ये जो है हमारे पास आ गए अभी परफॉर्मेंस के बाद, यहाँ पे थोड़ी पार्टी वार्टी चल रही है अरीश भी और आलियान भी। आलियान बहुत थक गया है तो मैंने बिस्कुट दे दिया ताकि थोड़ा खा लें, और अरीश साहिबा भी खा रही है बिस्कुट। बहुत ज्यादा गर्मी थी जी, नम 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 फिनिश हो गया। अरे नहीं छेड़ो, अरे नहीं छेड़ो, अरे आपकी कैप क्या है, क्या किधर आपकी बैग में। तो वहाँ से जो है ये मिठाई के डिब्बे मिले हैं मिलाद में से, जम गम की, तो देखते हैं इसके अंदर कौन सी मिठाई है। अरे आपको पता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, तो इसके अंदर है ये मेरे पतीसा मिठाई आ गया, बंद हो जाएगी मिठाई है। तो ये मिठाई है फ्रेंड्स जो हमें वहाँ मिलाद से मिली है। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, अब करा के चेंज करते हैं, आओ चलो चेंज करो, पिंक एंड ब्लू लॉली पॉप। अभी तो आए वाली शाओ, तो शुक्र हम लोग घर आ गए हैं, हो गया अल्लाह का शुक्र है, मिलाद हो गया था। बहुत गर्मी थी, बहुत अफसा लमिया, छोटे बच्चे थे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। आलियान के ज़्यादा पिंक एंड ब्लू लॉली पॉप,
तो मेरा व्लॉग बस यहीं पे एंड होता है। हाँ, बच्चों को नहलाऊंगी धुलाऊंगी साफ सुथरा करूंगी, ब्रश करेंगे थोड़ा सा, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा थोड़ा छोटा सा व्लॉग। और अगर आया तो जल्दी से जाके लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते शेयर करें। और स्किप ना क्या करें, वीडियो को स्किप करने से होता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है मिस हो जाता है वो। खैर चलो, बच्चों को मैं करती हूँ, बच्चों को थोड़े से उलझन हो रही है, अरे गर्मी बहुत है बाहर, तो आप लोग चाहिएगा मैं ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।